नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों अब तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यहाँ दोस्तों नर्सिंग भर्ती 2018 की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नर्सिंग भर्ती 2018 एएनएम जीएनएम भर्ती को लेकर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑन नर्सिंग भर्ती। अभी भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पे आदेश जारी हो रहे हैं, चाहे वो एएनएम भर्ती हो चाहे वो जीएनएम भर्ती हो। यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जो नर्स ग्रेड सेकेंड भर्ती 2018 है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अभी भी आदेश हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको प्रूफ समय दिखाऊंगा। जो लेफ्ट साइड में जो आदेश जारी हुआ है वो है नर्स ग्रेड द्वितीय श्रेणी सीधी भर्ती 2018, और राइट साइड में है वो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। ये आदेश जारी हुए हैं दोस्तों 11 दिसंबर को, जिसमें मैं बता देता हूं दोस्तों, नर्स ग्रेड जो सेकंड है उसमें श्री सुश्री गर्ली बाई को यहाँ पे पुत्र श्री जल सिंह मीणा निवासी करौली को यहाँ पे एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 के संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत। तो दोस्तों इनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है एमएनआईटी में। जो नर्स ग्रेड द्वितीय है उसको बुलाया है एमएनआईटी में। दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बुलाया था 10-12 को सुबह 11 बजे। दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के। यहाँ पे दोस्तों 11 दिसंबर को ये आदेश जारी हुआ है और 16 दिसंबर को यहाँ पे इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है एमएनआईटी जयपुर में। यह दोस्तों इसमें लिखा गया, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 12/959/2018 दायर की है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20/6/2018 को निर्णय पारित कर नर्स श्रेणी द्वितीय के पद हेतु चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति 30/5/2018 के संदर्भ में जारी अनुभव प्रमाण पत्र का नियमानुसार कंसीडर करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा नर्स द्वितीय श्रेणी भर्ती 2018 के संदर्भ में दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो इनका एमएनआईटी जयपुर में है। 16 दिसंबर को यहाँ पे सुबह 11 बजे इनका एमएनआईटी जयपुर में उपस्थित होना है। इसके अलावा दोस्तों महिला जो कार्यकर्ता है उसका भी एक आदेश जारी हुआ है यहाँ पे 11 दिसंबर 2019 को, जिसको ये भगतेश कुमारी शर्मा है कोई यहाँ पे, जिसको ये आदेश जारी हुआ है। इन्होंने भी एक रिट पिटीशन दायर की थी 11/11/082/2019, जिसका भी जो दस्तावेज सत्यापन दोस्तों 16 दिसंबर 2019 को एमएनआईटी में यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। और दोस्तों जो महिला जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो और जो नर्स ग्रेड द्वितीय है उस पर डॉक्टर संजय सक्सेना जो नोडल अधिकारी हैं भर्ती प्रकोष्ठ के संयुक्त निदेशक हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उनके इस पर हस्ताक्षर मौजूद है। तो दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अपनी आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। नर्सिंग भर्ती एनएम और जीएनएम 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी हो रहे हैं, कोर्ट के आदेश के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। 16 दिसंबर को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैं आपको दो आदेश दिखा रहा हूँ, जिसमें एक है नर्स ग्रेड द्वितीय श्रेणी भर्ती 2018, दूसरा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2018। इनके ये एक एक कैंडिडेट को आदेश जारी हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे एमएनआईटी जयपुर में यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।